द इनविजिबल मैन चैप्टर 21 हिंदी समरी। ग्रिफिन को अदृश्य होकर बहुत मजा आ रहा था। वह पूरे शहर में घूमता रहता फिर भी उसे कोई देख नहीं पा रहा था। यह सब उसको बहुत ही मजेदार लग रहा था। पर कभी कभी जब वह किसी से टकरा जाता तो लोग सोचते वो क्या था। और इस तरह धीरे धीरे उसको अदृश्य होने की कुछ खामियां भी समझ में आने लगी। कई बार उसको चोट लग जाती थी। जब वह सड़क पर बैठा होता तो लोग उसका पैर कुचलकर निकल लेते। और नंगे होने की वजह से उसको सर्दी भी लग गई थी। वो बिल्कुल असहाय हो गया था। वह कभी कभी रोने लगता। कभी कभी उसकी गंध से कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते थे। एक बार सामने से एक जुलूस आ रहा था तो वह डर के मारे सड़क के किनारे के घर पर चढ़ गया, पर इससे बर्फ पर उसके पैर के निशान बन गए, जिसे नरेटर ने फूट प्रिंट्स विदाउट फीट नाम दिया है। और दो बच्चे उसके पीछे पीछे आ गए, पर कैसे भी करके वो जान छुड़ाकर भाग गया। इधर जब ग्रिफिन कहानी सुना रहा था तो डॉक्टर केम बार बार घबराकर बाहर देख रहे थे और उसे आगे कहानी सुनाए कह रहे थे। चैप्टर 22। जनवरी का समय आते आते उसकी हालत और ख़राब हो गई, पर वह किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकता था। और वह खोजते खोजते ओमनियम नाम की एक बिल्डिंग में घुस गया, जहाँ उसे ज़रूरत की हर एक सामान मिल गई। रात में जब बिल्डिंग बंद हो जाता था तो ग्रिफिन बिल्डिंग की स्टोर में घुसकर खाना पीना कपड़े इत्यादि सब निकाल लेता था। और वह खिलौनों की एक दुकान में घुस गया और अपना मेकअप वगैरह कर अपने चेहरे को फिर से दिखा दिया। पर वह देर रात तक सोता ही रह गया और पकड़ा गया। काम करने वाले उसके पीछे भागे और जमकर उसको पीटा। उन सब से बचने के लिए फिर से उसको अपने कपड़े उतारने पड़े। Please like, subscribe and